हितेश कंसल ने अवंतिका के मंदिर पर कब्जा क्यों किया? क्यों आरडब्ल्यूए को बंधक बनाकर लोगों से वसूली करता है? हितेश कंसल ने अवंतिका स्थित मंदिर को अपनी कमाई का जरिया बनाकर लोगों को खूब लूटा है। मंदिर पर इसने अवैध रूप से कब्जा करके लोगों को डरा धमका कर उनसे वसूली का धंधा करता है। मंदिर पर इसका या इसकी फर्जी आरडब्ल्यूए का कोई अधिकार नहीं है। ये खुलासा सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ। इसको आरडब्ल्यूए का चुनाव हर वर्ष करवाना चाहिए, लेकिन इसने अपनी मनमानी से सारे नियमों को ताक पर रखकर 2 वर्षों में फर्जी तरीके से चुनाव करवाए हैं और किसी को इसकी जानकारी भी नहीं दी। सिर्फ 25 लोगों को जो इसके चमचे हैं उनको बुलाकर चुनाव करवा लिए गए, जबकि कुल 700 परिवार अवंतिका में रहते हैं। जिसने इसका विरोध किया उसे पुलिस के साथ मिलीभगत करके झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। इसने कॉलोनी की महिलाओं तक को नहीं छोड़ा और उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए। अवंतिका में मंदिर में अपना बड़ा योगदान देने वाले गर्ग को इसने बेइज्जत करके मंदिर से भगा दिया था, क्योंकि वो इसकी सारी भेद जान चुके थे कि इसने मंदिर में कैसे पैसे खाए, और जब दानदाताओं के नाम का पत्थर भी नहीं लगवाया तब उन्होंने इसका विरोध किया था, जिस पर उनको गालियां दी गई। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आतंक कितना ज्यादा है। आइए जानते हैं गर्ग साहब से इसके कारनामे। मंदिर में जितना काम हुआ उसके लिए सारा पैसा मैंने इकट्ठा करके दिया, और इन्होंने ये कहा था जो 11,000 रुपये या इससे अधिक देगा उसका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। आज करीब 5 साल हो चुके हैं, इन्होंने आज तक शिलापट पर नाम नहीं लिखवाया, और ये कहते अपने पैसे वापस लो, जो तो चिंता है। कितना पैसा इकट्ठा हुआ? तो कुछ ये है, कुछ और तो मुझे नहीं मालूम, बाकी 20-25 लाख तो कर ही दिया था, क्योंकि 40-40 हज़ार तो पता नहीं कितने दिया। नोटबंदी हुई थी ना तो सब दे गए थे ऐसे ही, नोटबंदी की वजह से। हाँ सब दे गए थे। कुछ लोगों ने सामान भी दिया होगा? सामान भी दिया, किसी ने सीमेंट दिए, किसी ने कुछ दिया, खूब दिया। मुरली की घरवाली ने दिए कितने तो? यानी कि आपके हिसाब से 20-25 लाख रुपए इकट्ठे हुए अंदाज? तो कुछ मैं एक्यूरेट नहीं कह सकता। हाँ एक्यूरेट नहीं, लगभग मतलब 20-25 लाख रुपए इकट्ठे हुए। और इसके अलावा जो एक पत्रिका इन्होंने छपवाई थी उसमें आपने काफी सहयोग किया। 4 लाख से ऊपर इकट्ठे करके दिए मैंने, ऐड के ऐड लाके दिए 4 लाख से ऊपर के। उससे पहली छपी थी उसमें भी लाके दिए ऐड, सारे मैंने लाके दिए थे। वेस्ट पत्रिका छपी उसमें भी ऐड मैंने लाके दिए थे। पत्रिका छपने में कितना खर्चा आया बाबूजी? मेरे ख्याल से 1.5 लाख बताते थे, 1.5 लाख खर्च हुआ। अच्छा, और बाकी का हिसाब तो कोई हिसाब तो किसी को दिया ही नहीं आज तक। वो तो कहते घर पे आके देख लो, जिसने हिसाब देखना, हिसाब नहीं बांटते। नहीं कहा जाए, ये कहता है कि हर साल हिसाब बना के जैसे घरों में पट्टे बांटते हैं, एक हिसाब का पट्टे ही बांटते हैं, सबको भी ये पोजिशन है, कभी नहीं बांटे इन्होंने आज। लेंटर कितना पड़ा? आगे वो जो शेड डाल के बनाए हैं वो कितने बने? नए मंदिर कितने बने? खर्चा तो नए मंदिर कितने बने, पानी से कितना किराया आया, टावर लगाया कितना किराया आया, टावर लगवा दिया आपको? हैं लगाया को क्या टावर क्या लगवाया होगी? हाँ भाई टावर टाइप का लगवाया हो जियो का? मैं तो गया नहीं हूँ, बहुत चलने फिरने जाए मंदिर में। जियो का लगवाया है? जियो का, जियो का। हाँ स्टैंड है, जियो लगा 15-20 रुपये किराया उसका आ रहा है। हाँ आ रहा होगा, वो लगा रहा है। मंदिर में खर्चा तो कुछ होता नहीं, प्रसाद भी बिकता है, तो खर्चा तो कुछ है नहीं मंदिर में। धर्मशाला है, उस धर्मशाला पे इसके चाचा ने कब्जा किया हुआ था, रहते थे उसमें। उन्होंने उस जब ये इलेक्शन लड़ा था ना एमए उसका पार्षद का, जब की बात है ये, तो इसे जो है उन्होंने वो खाली करा दी, पैसे दे के कराए, कैसे कराए, वो जब से चिड़ता है। एक उसने जो जब यह पाठ कराया था भागवत गीता भागवत पाठ कराया था, तो उससे कहा था भंडारा करने के लिए, उसने एग्री कर लिया भंडारे के लिए। लेकिन 4 दिन पहले वो ट्रेजिडी हो गई थी, उसका फोन आ गया हमारे पास कि अंकल जी इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है, ये मैं स्टैंड नहीं, तो उससे चढ़ा हुआ है। ये कोई चढ़ने की बात है? अब इसने पूरे 56 नंबर वार्ड को लूटने की योजना बनाई है।
कि इसका जमकर विरोध करें और एक सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को चुनाव जिताएं, जो आपको धमकाए नहीं, आपकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। अगर वही चीज अगर मान लीजिए बन गई होती तो आज यहाँ कॉलोनी के काम आ रही होती है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं नहीं बाबू जी, आप सही कह रहे हो। आया, दो तीन बार आया, लोग बुलाते हैं तो उसमें हिसाब कभी रखते हैं? ये लोग हिसाब बताते हैं? क्या बताइए आपको, कोई हिसाब नहीं कहते हैं। मीटिंग में भी नहीं YS कंसल जी जो अवंतिका में ही रहते हैं, उनको भी हृदेश कंसल ने अपने चेले मित्तल से डराया धमकाया और पैसों की वसूली के लिए उनके मकान की बाहरी दीवार का आज तक प्लास्टर नहीं करने दिया। अब पानी अंदर जाएगा तो उनका कितना नुकसान होगा, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान का दिल नहीं पसीजा। बेचारे अब रो रहे हैं कि हमने क्या सोचकर यहाँ पर मकान बनवाया था, अब यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा है। किसी का भी मकान बन रहा है, इसको बस पैसे चाहिए, नहीं तो आपके मकान में GDA वाले आ जाएंगे या पुलिस आ जाएगी और आपके मकान को सील कर दिया जाएगा। कंसल का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, काम कोई और करे लेकिन फोटो खिंचा कर क्रेडिट लेने ये पहुंच जाता है।